अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों ने पिछले क्लास में हमें बहुत ही सपोर्ट दिया। हम चाहते हैं कि आप आगे भी क्लास में इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें। आज के इस क्लास में हम लोग ग्रामर क्या है, ग्रामर के बारे में जानकारी लेंगे। जिस तरह से लिखा हुआ है यहाँ, ग्रामर को हिंदी में व्याकरण और उर्दू में कवायद कहते हैं, उसी तरह ग्रामर रूल्स से बना है, तो रूल्स को नियम और उर्दू में उसूल और तरीका कहते हैं। अब हम लोग ग्रामर का फुल फॉर्म जानेंगे कि GRAMMAR ग्रामर। तो ग्रामर के सारे वर्ड का क्या मीनिंग है हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, जिससे आपको पूरा जानकारी मिलेगी। अब हम लोग ग्रामर के फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे कि ग्रामर के अंदर कितना वर्ड आता है, उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है और उसका उर्दू मीनिंग क्या होता है। जैसे जी से होता है ग्रोथ, इंग्लिश में ग्रोथ होता है और हिंदी में विकास और उर्दू में तरक्की कहलाता है। आर से रियल, और हिंदी में इसको वास्तविक और उर्दू में हकीकी कहते हैं। ए से एटीट्यूड, एटीट्यूड मीन्स विचार और उर्दू में यह रवैया कहलाता है। एम से मैन, और हिंदी में इसका हिंदी हुआ मानव और उर्दू में हुआ आदमी और इंसान। एम से हो गया माइंड, मस्तिष्क और दिमाग। ए से एम्पल, एम्पल मीन्स पर्याप्त, मतलब पर्याप्त, और उर्दू में यह हो गया काफी। आर से रेंज, रेंज मीन्स क्षेत्र और उर्दू में हद। ये हम इंग्लिश, हिंदी, उर्दू इसलिए बताए हैं कि ये इसमें इंग्लिश वाले ही बच्चे इस चीज को जान सकेंगे, हिंदी वाले बच्चे भी जान सकेंगे और उर्दू वाले बच्चे भी जान सकेंगे। ये था ग्रामर का फुल फॉर्म हिंदी में, इंग्लिश में और उर्दू में। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर ले ताकि हम इसके आगे बात करेंगे। अब हम लोग ग्रामर का शॉर्ट डिफिनीशन जानेंगे, जो आसान भाषा में ग्रामर को कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे ग्रामर को तीनों भाषा में, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में आसान तरीके से डिफाइन करेंगे। जैसे ग्रामर हो गया द नॉलेज ऑफ करेक्ट रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इज कॉल्ड ग्रामर। तो इंग्लिश में ग्रामर को एकदम शॉर्ट ट्रिक में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरह हिंदी भाषा में इसको, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने एवं बोलने संबंधी नियम का पालन करना ही ग्रामर कहलाता है। उसी तरह हम उर्दू में कवायद कैसे डिफाइन करेंगे वो जानेंगे कि किसी भी जबान को सही सही बोलने, पढ़ने और लिखने के तरीकों को कवायद कहते हैं। आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग ग्रामर को हिंदी में व्याकरण, उर्दू में कवायद कहते हैं, इसका फुल फॉर्म जाने हिंदी में, इंग्लिश में और उर्दू में, और एकदम शॉर्ट में इसे कैसे डिफाइन करते हैं, ग्रामर को, व्याकरण को, कवायद को, ये जाने। आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा कमेंट्स करके बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लेंगे ताकि उनके पास सारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। इस चैनल के माध्यम से 9th-10th का सब सब्जेक्ट का तैयारी कराई जाती है। मिलते हैं हम अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ कि कवायद के कितने टाइप्स हैं, कितने प्रकार हैं। जज़ाकअल्लाह खैर।